वक्त खबर बांग्लादेश के गोपालगंज से, जहां भीड़ ने आर्मी के काफिले पर हमला कर दिया है। इस हमले में बांग्लादेश आर्मी के 5 से ज्यादा जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, लगातार हिंसा, और अब तो सेना के काफिले पर भी हमला कर दिया गया है। बांग्लादेश आर्मी के काफिले पर भीड़ का हमला, जिसमें 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालात सामान्य होने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विरोध प्रदर्शन की ताजा तस्वीरें दिखा रही हैं कि भले ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हो गया, लेकिन न तो यहाँ छात्रों का गुस्सा कम हुआ है, न ही सड़कों पर हंगामा पूरी तरह से थमा है। इस बार छात्रों ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया और चीफ जस्टिस समेत सभी जजों के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल ये खबर आई थी कि बांग्लादेश के बदले सियासी हालात के बीच चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। ये खबर आते ही प्रदर्शनकारी भड़क गए और कुछ ही देर में छात्रों और वकीलों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बांग्लादेश में प्रदर्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हम इस समय ढाका में जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रांगण में है। बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, तो अंदर भी जो है काफी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। दरअसल न्याय को लेकर के, जस्टिस को लेकर के, और बीते दिनों जो स्थिति हुई है उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं और उससे मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की स्थिति ठीक हो। साथ ही उनका ये भी मानना है कि जो परिस्थितियाँ खराब हुई हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले भी महत्वपूर्ण रहे हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर दबाव है इस्तीफा देने का। आपको सीधे एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आपको यहाँ प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे और बाहर जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, दरअसल चूंकि सड़कों पर इस समय सिर्फ आपको या तो सेना दिखाई देगी या अर्धसैनिक बल दिखाएंगे, और आपके ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र बीते कुछ समय में आरक्षण को लेकर आए शीर्ष अदालत के फैसलों से नाराज हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज उनके निशाने पर हैं। এজেন্ট হয়ে তারা এখনো কাজ করছে, অর্থাৎ এই দেশের জনগণের, আপামর জনগণের বিরুদ্ধে কিন্তু এখনো তারা কাজ করছে। তারা কিন্তু মূলত এই বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন এই জনতা যেহেতু রাষ্ট্রকে স্বাধীন করেছে, এখন তারা এই বিচার বিভাগকে, এদেশের জনতার বিচার বিভাগে পরিণত করার জন্য এখানে যারা বিচারকরা আছে তাদের বিরুদ্ধে তারা এখানে আন্দোলন সংগ্রামে এসেছে। छात्रों के इस प्रदर्शन को पढ़ता देख बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, जिसके बाद और जजों पर भी इस्तीफे का दबाव बन गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो उनके घरों पर धावा बोल देंगे। मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस कैंपस में हूँ। आप आज तक के कैमरे से जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट है ढाका में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। सड़कों पर जिस तरह से पुलिस ने धारा था लगभग वैसी स्थिति आपको पूरे इलाके में दिखाई देगी। यहाँ कोई नहीं है, इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी हैं जो हाथों में बांग्लादेश का झंडा लेकर के निकल रहे हैं, और प्रदर्शन करने के लिए जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ अगर आपको कोई दिखाई देता है तो वो सिर्फ सेना और सिविल सोसाइटी, यानी स्थानीय नागरिक और उसके साथ जो सेना है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। और कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था और स्थिति को बनाए रखने के लिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती हो गई। साफ है बांग्लादेश के हालात अब भी सामान्य नहीं है। स्थिति और ना बिगड़े इसलिए अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार जजों से छात्रों की भावनाओं के सम्मान की अपील कर रहे हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार के बाद अब न्यायाधीशों के खिलाफ ये मोर्चाबंदी बांग्लादेश में स्थिति पूरी तरह काबू में न आने का साफ संकेत है। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।